13 बच्चों की किडनैपिंग और 10 बच्चों की हत्या को अंजाम दे चुकी दो बहनों यानी रेणुका शिंदे और सीमा गवित की फांसी की सजा को बॉम्बे हाईकोर्ट ने उम्र कैद में बदल दिया है। अदालत ने मृत्युदंड की सजा में हुई देरी को इसका आधार बनाया है। बता दें कि यह दोनों देश की पहली ऐसी महिलाएं थीं जिन्हें फांसी की सजा मिली है। इन दोनों पर आरोप है कि ये मासूम बच्चों की किडनैपिंग कर उनसे अपराध करवाती थीं, उन्हें अपनी सुरक्षा के लिए हथियार के तौर पर इस्तेमाल करती थीं और मकसद पूरा हो जाने पर उनकी बेरहमी से हत्या कर देती थीं। इनकी माँ अंजनी बाई गवित भी इस केस में आरोपी थी। हालांकि पकड़े जाने के एक साल बाद ही उसकी मौत हो गई थी, जबकि दोनों बहनों को साल 2001 में कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई थी। माँ और बेटियों पर करीब 125 आपराधिक मामले दर्ज थे। इसमें छोटी मोटी चोरी, पॉकेट मारना, चेन स्नेचिंग, भीड़भाड़ वाले इलाकों में चोरी जैसी घटनाएं शामिल थीं। लेकिन ये इन महिलाओं की खौफनाक कहानी का बहुत छोटा सा हिस्सा था। 90 के दशक में इन्होंने चोरी से हत्या की दुनिया में कदम रखा। तब बड़ी बेटी रेणुका की उम्र 17 साल और छोटी बेटी सीमा की उम्र 15 साल थी, जब इन्होंने अपनी माँ के साथ मिलकर पहले बच्चे की हत्या की थी। दरअसल अंजनी बाई को उसके पति ने छोड़ दूसरी महिला से शादी कर ली। इसके बाद रुपए कमाने के लिए अंजनी बाई ने अपराध की दुनिया में कदम रखा। इसमें उसने दोनों बेटियों और बड़ी बेटी रेणुका के पति किरण को भी शामिल कर लिया। रेणुका का एक बेटा भी था। एक दिन उसने मंदिर में चोरी की और जब पकड़ी गई तो बेटे को आगे कर उस पर सारा इल्जाम डाल दिया। लोगों ने रहम कर बेटे और माँ को छोड़ दिया। यहीं से रेणुका और उसकी माँ बहन को बच्चों के सहारे अपराध करने का आइडिया मिला। जून 1990 से अक्टूबर 1996 तक 6 साल में तीनों महिलाओं ने दर्जन भर बच्चों के अपहरण और हत्याएं की। अंजनी बाई को छोड़कर पति मोहन से प्रतिमा नाम की महिला से शादी कर ली थी। मोहन प्रतिमा की दो बेटियां थीं। अंजनी बाई प्रतिमा से इतनी नफरत करती थीं कि उसने उसकी बड़ी बेटी को निशाना बनाया। प्रतिमा को अंजनी और उसकी बेटियों पर शक था, इसलिए उनसे तीनों के खिलाफ पुलिस में बेटी की किडनैपिंग करने की शिकायत दर्ज करवाई। तीनों अपराधी महिलाओं का मकसद इस कपल की दूसरी बेटी का अपहरण करना भी था, लेकिन पुलिस ने इनके मंसूबों को नाकाम कर दिया। पकड़े जाने के बाद छानबीन में पता चला कि बच्चों का अपहरण कर उन्हें अपराध की दुनिया में धकेल दिया जाता था। जब बच्चे अपराध की दुनिया में पुराने हो जाते थे और उन्हें लोग पहचानने लगते थे तो ये महिलाएं उनकी हत्या कर देती थीं। इससे पहले कि ये महिलाएं 14वें बच्चे को अपना शिकार बनाती पुलिस इन तक पहुंच गई थी। नवंबर 1996 में पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया। तीनों के खिलाफ गंभीर आपराधिक मामले दर्ज थे। रेणुका का पति इस मामले में मुख्य गवाह बन गया तो उसके खिलाफ सारे मामले हटा लिए गए। दिसंबर 1997 में अंजनी बाई की गिरफ्तारी के एक साल बाद ही जेल में मौत हो गई, जबकि दोनों हत्यारी बहनों को 2001 में फांसी की सजा सुनाई गई। 2004 में बॉम्बे हाईकोर्ट ने भी यही सजा बरकरार रखी। हालांकि 2006 में सुप्रीम कोर्ट ने फांसी की सजा पर रोक लगा दी। बाद में राष्ट्रपति ने भी दोनों बहनों की दया याचिका खारिज कर दी।